الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے ہوائیں فصل گل کی بھی نشات افزا نہیں ہوتی واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ڈرو بچو اس فتنے سے جو تم میں سے ایک مخصوص طبقے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ اس کی زد میں بہت سے لوگ آ جائیں گے کچھ احادیث میں یوں اشارہ فرمایا کہ پورے عرب کو وہ اپنے حصار میں لے لے گا کیا عرب کیا عجم کیا مشرق کیا مغرب کیا عوام کیا خواص کیا دیندار کیا دنیا دار اس کی لپیٹوں سے اور اس کے شولوں سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر یوں فرمایا کہ جیسے یہ بارش برس رہی ہے ہر گھر میں اس کی بوندیں پڑ رہی ہے اسی طرح فتنے ہر گھر کے اندر اتریں گے کوقع المطر
आपने उसको बारिश की बूंदों से और बारिश के कतरों से आपने तशबीह दी। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, फितने के लुगवी माना क्या है? फितना आजमाइश को कहते हैं, परखने को कहते हैं, जांचने को कहते हैं, टेस्ट करने को कहते हैं। सोने को जब आग पर तपाया जाए तो उसके खरे और खोटे का पता चलता है। कचरा अलग हो जाता है, सोना बाकी रह जाता है। असल माना फितने के ये है। तो आजमाइशों के ज़रिए से हक और बातिल का, खरे और खोटे का, सही और गलत का, अपने और पराए का पता चल जाता है। इसीलिए आपने आजमाइश और फितनों की घड़ी में कुरान करीम से ताल्लुक और वाबिस्तगी इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि जिसके हाथ में कुरान की रस्सी होगी वो तो बच पाएगा, और जिसका ताल्लुक कुरान से कमज़ोर होगा वो फितनों में मुब्तला हो जाएगा। अब फितने दो किस्म के हैं। एक हैं अमली फितने, लोगों को बेदीन बनाना, लोगों को गुमराही के अंदर मुब्तला करना। शराब आम हो गई, जिना के अड्डे खुल गए, रिश्वत का बाजार गर्म है, सूद का लेन देन नाम बदल बदल कर लोग कर रहे हैं, रुसूमात और खराफात में मुब्तला हो गए, शिर्क हो रहा है, बदमनी, लिसानियत, कौमियत, सियासत, तासुब, मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर उम्मत को तकसीम कर दिया गया, ये अमली फितने हैं। इससे बचाव के लिए मदारिस अपना काम कर रहे हैं, इससे बचाव के लिए तबलीगी जमात बहुत बड़ा काम कर रही है, इससे बचाव के लिए खानकाहों के अंदर लोगों की तरबियत और तस्किया हो रहा है। लेकिन दूसरी जो किस्म है इल्मी फितने, उसके सद्देबाब के लिए अब तक कोई मुअस्सर काम नहीं हो चुका। इल्मी फितने क्या है कि कुरान करीम की नई ताबीरात, भाई कुरान करीम के अल्फाज में तो ये तब्दीली कर नहीं सकते, तहरीफ कर नहीं सकते, इसलिए कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कोई ज़बर ज़ेर में भी गलती करता है या प्रिंटिंग में गलती से कोई ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे हो जाता है या कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता है, एक बच्चा भी उसको टोक देता है। यहाँ ज़बर है ज़ेर नहीं, आपने ये आयत छोड़ दी, आपने इस आयत को पूरा नहीं पढ़ा, आपने यहाँ पर मद नहीं किया, आपने यहाँ पर गुन्ना नहीं किया, आपने जमा की जगह मुफरत का सीगा इस्तेमाल किया, कुरान के ज़ाहिरी हरूफ में तब्दीली नहीं हो सकती। इन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब नहीं हुए। तो इन्होंने कहा कि कुरान के ज़ाहिरी हरूफ में हम तब्दीली नहीं कर सकते, मानी के अंदर तब्दीली कर दें, अपनी तशरी, अपनी ताबीर, अपनी फहम के मुताबिक हम लोगों को बताएंगे। और इसके लिए
नाम नेहाद मज़हबी स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर और तज़िया निगार, दानिश्वर, मुफक्किर, इस तरह के लोगों को तैयार किया गया। वो लोगों को कुरान करीम की अपनी तरफ से ताबीरात और तशरीहात पेश कर रहे हैं। ये है इल्मी फितने। इन इल्मी फितनों के मुकाबले के लिए बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से काम करने की ज़रूरत है। 1999 में एक यहूदी ने आर्टिकल लिखा था कि मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए अब तुम्हें जंगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुसलमानों में दो चीज़ें दाखिल कर दो, मुसलमान खुद ब खुद शिकस्त तस्लीम कर लेगा। आपस के इख्तिलाफात में, आपस के मसाइल में वो इतना मुस्तगरक हो जाएगा कि उसको बातिल और कुफर की साजिशों का पता ही नहीं चलेगा। एक, शुभात इनके अंदर दाखिल करो और दूसरा शहवात इनके अंदर दाखिल करो। शुभात क्या है कि भाई ये ज़कात जो तुम देते हो ये तो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, ये तो तुम्हारे खून पसीने की कमाई है, तुम अगर ज़कात दोगे तो कल को तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसीलिए ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, मेरा माल मेरी मर्ज़ी, जैसे नारा लगा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं बाल कैसे रखूं, मैं दाढ़ी रखूं या न रखूं, मैं पेंट शर्ट पहनूं या जुब्बा पहनूं, औरत कहती थी मैं दुपट्टा ओढ़ूं या न ओढ़ूं, मैं ग्रेबान खुला रखूं या बंद रखूं, मैं जैसा भी लिबास पहनूं मेरा जैसे मेरी मर्जी, मैं हलाल खाऊं या हराम खाऊं, मैं नमाज पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं शोहर की खिदमत करूं या न करूं, इसी तरह मेरा माल मेरी मर्जी, मैं हलाल कमाऊं या हराम, मैं रिश्वत लूं या सूद लूं। कहते जी झूठ के बगैर कारोबार नहीं होता, रिश्वत के बगैर निज़ाम नहीं चलता, सूद के बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं होता, तो मेरा माल मेरी मर्जी। ये शुबहात पैदा किए। काजी कुर्बानी से क्या होता है, लाखों जानवर जब आप ज़िबा करोगे जानवर कम हो जाएंगे, फिर उसका खून बहेगा बीमारियां फैलेगी, फिर उसकी आलाइशें पड़ी होगी बदबू फैलेगी, फिर ज़्यादा गोश्त खाओगे तो LFT बढ़ जाएगा, हीपाटाइटिस हो जाएगा। इसीलिए कुर्बानी के बजाय तुम वैसे किसी गरीब की मदद कर लो। फिर इन्होंने कहा कि जी नमाज से क्या होता है, ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। एक साहब कहने लगे कि मैं जब मस्जिद पहुंचता हूं और मुझे लगता है कि इस्तिंजा और वुजू करूंगा तो जमात निकल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट नमाज में शामिल हो जाता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है वो कबूल करेगा। मैंने उसको कहा ये तो आपने अल्लाह की बात नहीं मानी। कहा वो कैसे? मैंने कहा जिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हो उसी अल्लाह का हुक्म है कि जब तक वुजू नहीं कर लो मस्जिद में नहीं आना, नमाज नहीं पढ़ना। अब उनके पास जवाब नहीं। फिर कहते जी कि हम दो नमाजों को एक वक्त में बगैर मजबूरी के जमा कर लें वो कबूल करने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक मौके पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को जमा किया है, अगर आप हर वक्त दो नमाजों को जमा करोगे
तो फिर अल्लाह ने कुरान में जो कहा इन सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह ने मोमिनों पर नमाज को वक्त मुकर्ररा में फ़र्ज किया है, तो फिर इस आयत का क्या मतलब? जिब्राइल अमीन जो आए एक दिन पांचों नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ा, दूसरे दिन पांचों नमाजों को आखिर वक्त में पढ़ा और फरमाया इसका जो दरमियानी वक्त है ये हर नमाज का वक्त है। फिर इतनी ब्रीफिंग की और इतनी प्रेजेंटेशन की क्या ज़रूरत थी? तो ये लोग दीनदार बनकर आपके जहन में शुभात पैदा करते हैं, कहते जी हज से क्या होता है? आप लाखों रुपए खर्च करते हो, आप बार बार उम्रे करते हो, इसके बजाय किसी गरीब का इलाज कर लो, किसी बेघर को घर बना दो, किसी लड़की की शादी में उसकी हेल्प कर लो, कोई हॉस्पिटल बना लो। हालांकि इनको ये पता नहीं कि हज का जो मकसद है, हज में जो रूहानियत है, हज में जो फलसफा है कि ये लोग जान माल की कुर्बानी देकर जाएं, सफ़र करें और वहाँ बेतुल्ला को देखने से, फिज़िकली देखने से जो नूर आता है वो स्क्रीन पर देखने से नहीं आता, हजर असवद के बोसा लेने से जो फीलिंग्स आती है वो स्टिकर पर चूमने से नहीं आती, और वहाँ जाकर जमजम का पानी पीकर बेतुल्ला पर जब निगाहें जमी हुई हों उससे जो आपकी कैफियत बनती है वो यहाँ पानी पीने से नहीं बनती, और सफ़ा मरवा की सही करते वक्त आपको जो इस्तेहजार होता है कि अम्मा हाजरा ने उस वक़्त दौड़ लगाई जब एसी नहीं था, जब पानी नहीं था, जब लोग नहीं थे, जब पाँव में प्रॉपर जूते नहीं थे, जब फर्श ऐसा मार्बल का नहीं बना हुआ था, तो उस वक़्त वो चक्कर जो लगाए मेरे अंदर भी वो कुर्बानी का जज्बा आ जाए, और फिर मीना के अंदर और अरफात के अंदर सख्त गर्मी में और नंगे सर और एहराम की हालत में और लाखों लोगों के बीच में जब आप दुआएं मांगते हो तो आपको वो मंज़र याद आता है जो हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,00,000 कमोबेश 24,000 के मजमे में घंटों इस उम्मत के लिए दुआएं मांगी थी। तो जब तक आप प्रैक्टिकली वहाँ पर अपीयर नहीं होते आपको ये सारा तसव्वुर नहीं आ सकता, यू कांट इमेजिन। लेकिन वो कहते नहीं जी उसकी क्या ज़रूरत है। इन लोगों को आप ये कहें कि तुम 10 करोड़ के घर में रहते हो, 1 करोड़ का घर लो, 9 करोड़ गरीबों पर खर्च कर दो, आपके पास करोड़ों रुपए की 10 गाड़ियां घर में खड़ी हुई है, आप 1 गाड़ी रखो बाकी बेचकर गरीबों की मदद कर लो, आप शादी में 10 करोड़ लगाते हो, 50,00,000 में शादी करो, 9.5 करोड़ गरीबों को दे दो, आप 50,000 का सूट और 1-1 करोड़ की घड़ियां और 1-1 लाख के जूते पहनते हो, ब्रांडेड चीज़ों को छोड़कर ज़रूरत की मुनासिब सस्ती चीज़ें खरीद कर बाकी गरीबों को दे दो, वहाँ पर इनका ज़हन काम नहीं करेगा। लेकिन हज पर, उम्रे पर, तबलीग पर ये एतराज़ात करेंगे। औरत के ज़हन में ये शुबा डाला कि जी पर्दा तो दिल का होता है, ज़ाहिरी पर्दे से कुछ नहीं होता, बस दिल आपका साफ होना चाहिए। यानी सहाबा इकराम के दिल सबसे ज़्यादा पाकीज़ा थे और अजवाज मुतहरात उम्मत की माएँ थी, उनको हुक्म है कि जब तुम अजवाज मुतहरात से जो तुम्हारी और उम्मत की माएँ हैं जिनके दिल पाकीज़ा हैं उनसे कुछ मांगो, फस अलूहुन्न मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगना, उन
उनको तो ये हुक्म है, और इधर जिसका दिल गंदा है, कचरा कुंडी का ढेर बना हुआ है, हर वक्त गलत ख्यालात की अमाजगा बना हुआ है, ये कहते हैं जी दिल साफ होना चाहिए, पर्दे की जरूरत नहीं है। तो ये एक मुनज्जम साजिश के तहत शुभात को दाखिल किया गया। और इन्हीं शुभात में से ये भी है कि जी दीन पर कोई मौलवी के ठेकेदारी है, हर आदमी से दीन की बात सुनो। कल एक जगह हम बैठे हुए थे, उसने कहा जी मैं तो उसको भी सुनता हूँ, इसको भी सुनता हूँ। मैंने कहा यार आप हर एक को नहीं सुने, उलमा को सुने। कहा ये क्या बात हुई, ये तो ठेकेदारी हो गई, दीन किसी का है तो नहीं, हमें दीन की बात कहीं से भी मिले हम तो सुनेंगे। मैंने कहा वो जो सामने मोची बैठा हुआ है आप उससे अपना इलाज कराओगे? बोला नहीं। मैंने कहा वो जो सामने हेयर ड्रेसर है बालों की कटिंग करता है आप उससे जूता सिलवाओगे? बोला नहीं। मैंने कहा वो जो सब्जी वाला है उससे आप सोने के भाव और सोने का मशवरा करोगे? कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो जो लोहार है उस लोहार से आप लकड़ी की बात करोगे? बोला नहीं। मैंने कहा वो जो कारपेंटर है लकड़ी वाला उससे आप कपड़े की मालूमात लोगे? बोला नहीं। मैंने कहा वो जो इंजीनियर है पुल बनाता है उससे आप ऑपरेशन कराओगे? बोला नहीं। मैंने कहा वो जो डॉक्टर है उस डॉक्टर से आप अपना घर बनाओगे? बोला नहीं। मैंने कहा वहां तो कहते हो हर शोबे के लोगों से मालूमात लो, दीन इतना लावारिस है कि मोची भी फतवे दे रहा है, नाई भी दीन की बात कर रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है, इस मौलवी को पता नहीं मुझे पता है, अल्लन फकीर साहब को पता है। तो मैंने कहा यही तो हमारी बदकिस्मती है, हर आदमी मौलवी बना हुआ है। भाई कुरान पढ़ने पर पाबंदी नहीं, लेकिन कुरान उनसे पढ़ो जिनको पढ़ना आता है, जिनके उस्तादों की सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती हो। ये हमारा कबाड़ा इसलिए हो गया कि हर आदमी कैमरा सामने लगाकर टीवी पर बैठकर स्कॉलर बन जाता है, फतवे झाड़ता है, और आप लोग भी बड़े गौर से सुनते हो, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था एक शुभात लोगों के दिलों में डालना। और आपको पता है ये कैसे के बाज यूरोपी ममालिक में जब पीएचडी के लिए मुसलमान जाते हैं उनमें दीनदार भी होते हैं और दुनियादार भी, तो उनसे ऐसे थीसिस लिखवाए जाते हैं, ऐसे मकाले और टॉपिक उनको दिए जाते हैं कि जब उस पर वो रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, मकाला लिखते हैं, तो गैर महसूस तरीके पर तशकीक का पौधा उनके जहनों में जन्म लेता है, शुकूक और शुबात पैदा हो जाते हैं, इसको पता ही नहीं चलता है, लेकिन इस्लाम के बारे में इसके जहन में इंतिशार आ जाता है। इसको कहते हैं मुस्तशरिकीन। इन लोगों का सबसे बड़ा मकसद कि मस्जिद के मिंबर और मेहराब के इस मौलवी से आपको बदजन करके आपका ताल्लुक कमजोर कर दिया जाए, फिर ये आपके अकीदे पर डाका डालेंगे। और ये बहुत पहले से साजिशें हो रही हैं। कभी कहा जाता है कि जी इंसानियत ही बड़ा मज़हब है, ह्यूमैनिटी इज़ अ बेस्ट रिलीजन। कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई दीन इब्राहिमी, कोई इस्लाम, कोई हिंदू मत, कोई बुद्ध मत, कोई जो है वो जरतिश्त, कोई जो है वो दीन नहीं है, बस सेकुलर माइंडेड। आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, आप उस पर अमल करो। हालांकि कुरान ने वाज़े तौर पे कहा इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है।
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, وہ قبول بھی نہیں ہوگا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو اس طرح یہ شکوک اور شبہات, اور ایک چیز ہے شہوات. شہوات کیا ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے, اس کے لیے ڈرامہ, اس کے لیے فلم, اس کے لیے گانا, اس کے لیے میوزیکل کنسرٹ, اس کے لیے مختلف فنکشن, اس کے لیے مختلف ایونٹ, اس کے لیے مختلف نعرے, اس کے لیے فری سوسائٹی کا ماحول, اس کے لیے این جی اوز کی تنظیمیں, اس کے لیے ہیومن رائٹس کے علمبردار, اور اس کے لیے جہاز میں ایئر ہوسٹس, بس میں بس ہوسٹس, اور ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر بے پردہ عورتیں, اور اسکول کے ریسپشن پر بے پردہ لڑکیاں, اور دکانوں میں سیلز گرل, بڑے بڑے شاپنگ مال میں آپ دیکھیں خوبصورت لڑکیوں کو شریعت کے خلاف لباس پہنا کر جگہ جگہ پھیلا دینا, کہ مسلمان بچہ اور مسلمان نوجوان ہر وقت اسی میں مگن رہے. پھر وہ نماز پڑھتا ہے کہتے جی خیالات بہت آتے ہیں, اور ابھی تو موبائل نے ساری چیزوں کی کمی پوری کر دی. موبائل میں سارا دن یہ چیزیں دیکھتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوں گے تو دل کی تار اللہ سے کیسے جڑے گی, پھر تلاوت کرنے کو کس کا جی چاہے گا, پھر وہ ایک صفحہ پڑھے گا ذہن میں وہی ہلچل شروع ہو جائے گی, وہ نماز پڑھ کر بیان سن کر نکلے گا, جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا ادھر ادھر نظر پڑے گی, سب ختم. بازار میں جائے گا ساری چیزیں ختم. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین اور بعض مالیاتی اداروں نے اسلامی ممالک کو جو امداد دی, جو قرض دیا, جو فنڈ دیا, اس میں شرط یہ لگائی کہ آپ ڈراموں کو پروموٹ کریں گے, آپ کلچرل ویلیوز جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں گے, آپ سائن بورڈز پر لڑکیوں کی تصویریں لگائیں گے تب آپ کو یہ امداد دی جائے گی ورنہ نہیں دیں گے, یہ شرائط میں لکھا ہے. آپ بتائیں ان کا اس سے کیا کام؟ ان کو پتا ہے کہ مسلمان نوجوان کو اگر ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں وہ اس طریقے کر سکتے ہیں. پھر فلسطین میں بمبارمنٹ ہو اس کو کیا پرواہ ہے, وقتی طور پہ ٹیوٹ کر لے گا, وقتی طور پہ پوسٹ بھی چلا لے گا, وقتی طور پہ احتجاج بھی کر لے گا, لیکن فوراً اس کا ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے. تو میرے محترم دوستو بھائیو بزرگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان فتنوں کی جو نشاندہی کی تھی وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. آج بھی ہمارے پاس اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم نبوت کا پتہ ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو الہاد کا پتہ ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو استشراق کا پتہ ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مغربی استعمار کا پتہ ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہود و نصارہ کی این جی اوز اور ان کے تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کا پتہ ہے, جیسے رینڈ کارپوریشن, ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی قسمیں, ایک وہ مسلمان جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے, اسلام کو ایک دستور حیات سمجھتا ہے, وہ خلافت کو سمجھتا ہے, یہ ہمارا اصل دشمن ہے. وی مسٹ کریش, ہم نے ان کو ختم کرنا ہے.
और दूसरा वो मुसलमान है जो पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ है, उसकी सारी तवज्जो पढ़ने में पढ़ाने में फ़िक़ा में हदीस में उसूल फ़िक़ा और उसूल हदीस में है। लेकिन वो और ये पहला तबका जब मिल जाए तो ये भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए इसको भी बदनाम करना है। तीसरा वो मुसलमान है जो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, उम्रे भी करता है, तबलीग में भी जाता है, लेकिन वो इसी को दीन समझता है। यहूदियत क्या है, ईसाइयत क्या है, कादियानी क्या कर रहा है, हमें उसके मुकाबले में क्या करना है, इस्लामी खिलाफत क्या है, खिलाफत राज, इन चीज़ों का उसको पता ही नहीं, वो इसी में खुश है, बस कलमा नमाज रोज़ा तस्बीह, बोला इनको अपने काम करने दो, ये हमारे लिए रुकावट नहीं है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। और जो चौथा तबका है जो नमाज रोज़ा भी नहीं पढ़ता, जो शराब पीता है जिना करता है, वो तो है ही हमारे। तो आज मुसलमानों की अक्सरियत वो दो तबके हैं जो या तो दीन से बिल्कुल दूर है या सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात इसी पर खुश है। इस्लाम के निज़ाम के लिए, खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए यहूद और नसारा कादियानियत और इल्हाद के खिलाफ बंद बांधने के लिए जो मैदान अमल में उतर जाए, जो कुर्बानी दे, वो मुसलमान बहुत कम है। यही वजह है हम कहते जी 2 अरब मुसलमान, 2 अरब कोई मजाक नहीं है, 58 इस्लामी मुल्क, 58 इस्लामी मुल्क, OIC अरब लीग, लेकिन क्या है, आप कश्मीर से लेकर आप फलस्तीन तक और कोसो और बोस्निया तक आप मुसलमानों की हालत इजार देखें। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, ये जो शुकूक और शुबहात है, एक इदारा है उसने पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी मुमालिक के निसाब पर एक कमेटी बनाई है, कहा कि ये जो पाकिस्तान में निसाब है ना, ये ठीक नहीं है, इनके इस्लामियात में पढ़ाया जाता है इस्लामी दीन हक है, कहा ये तो यहूदियत के ख़िलाफ़ है, इससे तो ईसाइयत की नफ़ी हो रही है, इनको ये जुमला हटाना चाहिए, इनको ऐसा सबक देना चाहिए कि यहूदियत भी ठीक, ईसाइयत भी ठीक और इस्लाम भी ठीक। ये जो ये कहते हैं ना इस्लामी हक दीन है, इस जुमले पर हमें एतराज़ है, इस पर रिपोर्ट उन्होंने भेजी और कहा ये जो माशरती उलूम में, सोशल साइंसेस में, इस्लामिक हिस्ट्री में जो पढ़ाते, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमले किए, मोहम्मद बिन कासिम हिजाज से दीबल पहुंचा, सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त दी, तारिक बिन जियाद ने अंदलुस के साहिल पर किश्तियां जला डाली, ये जो इनके वाकयात हैं ना, इसको किताबों से निकाला जाए, ये तो इस्लामी आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इससे तो मुसलमानों के अंदर बेदारी की लहर आ रही है, जज्बा जिहाद परवान चढ़ रहा है, इनको भी ख़त्म किया जाए। इसकी जगह गैर मुस्लिम जो सोशल वर्कर है उनको हीरोज़ बनाकर पेश किया जाए, ये उनकी सिफारिशात आती है। ये तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये जो थोड़े बहुत उलमा असेंबलियों तक पहुँचते हैं और वो इनकी साजिशों और शरारतों से आवाम को आगाह करते हैं, फिर आवाम उसके खिलाफ एहतजाज करती है, तो ये थोड़े से पीछे हो जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों, अभी एक स्कूल में फ़लस्तीन के ऊपर इजहार यकजहती का एक प्रोग्राम था, उन बच्चों को पाबंद बनाया गया है कि तुमने इसराइली मसनूआत और प्रोडक्ट्स के खिलाफ बात नहीं करनी, हमारे लिए मसाइल खड़े ना हो जाए, आप अपने बच्चों को आला तालीम के नाम पर इधर उधर बेचते, इधर से डिग्री ले ले, उधर से डिग्री ले ले, बड़ा अल्लन फकीर बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं रहेगा, नाम का मुसलमान रहेगा, अकीदे का उसको पता नहीं होगा। ये तो अकीदे की जंग है, फिक्र और फलसफा की जंग है, ये तो अकायद की जंग है,
वो कहते कि ये मुसलमान ऐसा रहे जो हमारे लिए रुकावट और दर्द सर न बने। इसीलिए उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत रखिए। जितनी तहरीकात या जितने एहतजाज या जितने दीनी प्रोग्राम होते हैं उसमें शिरकत करें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे साथ गेम कौन सा हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।